स्टूडेंट्स देखिए बेटा, फर्स्ट क्लास की बुक है हिंदी ग्रामर की। तो देखिए, आज हम इसके पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम उनकी एक उस चैप्टर की लेसन पार्ट 9 की एक्सरसाइज करेंगे, जो किस प्रकार है। देखो, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पांच शब्द बताएं जो नाम की जगह प्रयोग होते हों। जैसे देखो, पांच शब्द बताना है, जैसे मैं, मेरा, मैं, वह, तुम, आप, यह, कौन। ओके, ये पांच शब्द हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाएं। सर्वनाम शब्द जिसकी जगह प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नाम जिसकी जगह प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, नाम की जगह प्रयोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है, मैं, मेरा, तुम, किसका होता है, तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप हमारे घर आना, मैं, आप, किस लिए प्रयोग हुआ है, अपने लिए, अपनों से बड़े के लिए, किसके लिए बेटा, ये अपनों से बड़े के लिए। ओके, ये देखिए अपनों से बड़े के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं, मेरा नाम कृष्ण है, वाक्य में सर्वनाम क्या है, कृष्ण। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करके लिखिए। ऐसे देखिए बेटा, ये कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें हमें सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। ओके, जैसे मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं क्या है, सर्वनाम। आप कब आओगे, आप सर्वनाम है। वह घर जा रहा है, वह सर्वनाम है। मुझे आम पसंद है, मुझे सर्वनाम है। तुम किताब पढ़ो, तुम सर्वनाम है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नीचे बनी टोकरी में कुछ शब्द लिखे हैं, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को खाली टोकरी में लिखिए। जैसे कि मैं, हम, किताब, पेन, जलेबी, आप, फूल, वह, तुम, ये इस टोकरी में लिखे हुए हैं। और हमें यहाँ पर नाम की जगह शब्द लिखना है, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे हम, मैं, आप, वह, तुम। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपके रिवीजन की वीडियो है। ओके स्टूडेंट।